नया भारत नया कानून, 150 साल के बाद तीन अंग्रेजी कानून खत्म हो गए हैं और तीन नए भारतीय कानून लागू हो गए। इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि गुलामी की सोच खत्म होगी। पहले उसका नाम था इंडियन पिनल कोड, उसमें इंडिया शब्द था, अब उसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता। तो अब भारत आ गया, इंडिया की जगह भारत आ गया। पहले वाले कानून का नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट, नए वाले का नाम है भारतीय साक्ष्य संहिता। तो वो भी इंडिया गया, भारत आ गया। आम आदमी के लिए इसमें बहुत फायदे हैं। पहली बात तो ये कि जहां आपके साथ अपराध हुआ है वहीं जाके FIR कराना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बंगाल में थे, वहां आपके साथ कुछ मारपीट हो गई, अब वहां से आप भागे, वहां आपके पास डर के मारे इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप वहां FIR करा सको, तो आप दिल्ली आ जाओ और दिल्ली में जाके FIR करा दो कि बंगाल के इस थाने में इस स्थान पे आपके साथ ये हुआ है, आपकी FIR रजिस्टर हो जाएगी। दूसरा फायदा, ये FIR लिखने की एक टाइमलाइन फिक्स हो गई है। तीसरा फायदा, पुलिस के जांच कंप्लीट करने की भी टाइमलाइन फिक्स हो गई है। चौथा फायदा, जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाएगी तो 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के लिए, जज के लिए चार्ज फ्रेम करना अनिवार्य होगा। देखिए क्रिमिनल लॉ कैसे चलता है, सबसे पहले शिकायत की जाती है, शिकायत करने के बाद पुलिस उसकी देखती है कि शिकायत ठीक है या नहीं है, थोड़ा एक प्राइमा फेसिस उसकी जांच करती है, फिर वो FIR में FIR लिख देती है, FIR के बाद जांच होती है, फिर वो चार्जशीट बनती है, वो चार्जशीट फाइल की जाती है, उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई करते हैं, एक दो सुनवाई करने के बाद चार्ज फ्रेम करते हैं। तो अब इस सभी चार के चारों प्रोसेस का टाइम फिक्स हो गया, FIR करने की टाइम फिक्स, जांच करने की टाइम फिक्स, चार्जशीट फाइल करने की टाइम फिक्स और जज के द्वारा भी चार्ज फ्रेम करने का टाइम फिक्स हो गया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब पूरी बहस पूरी हो गई तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है बहस पूरी हो जाती है, जज साहब जो है उस मुकदमे को 6 महीने बाद उसका फैसला सुनाते हैं, उसकी भी टाइम फिक्स हो गई है कि सुनवाई के 60 दिन के अंदर आपको मुकदमे का 45 सुनवाई कंप्लीट करने के 45 दिन के अंदर आपको फैसला सुनाना ही सुनाना है। तो आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पूरे के पूरे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तीनों कानूनों का, तो हम धीरे धीरे जस्टिस विद इन ईयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तीन कानून लागू होते ही 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन तीनों कानूनों के बाद 1 साल के अंदर जो फैसला होना चाहिए उसकी तरफ हम आप आगे बढ़ चुके हैं। इसमें स्नैचिंग को बहुत सीरियस ऑफेंस बना दिया है। आप देखते रहते हैं चेन स्नैचिंग होती रहती है, मोबाइल स्नैचिंग होती रहती है, आए दिन झपट्टा मारी चलती रहती है, उसको गंभीर अपराध बना दिया है। आतंकवाद को इसमें शामिल कर लिया है, पहले उसमें नहीं था। पहले IPC में राजद्रोह था, देशद्रोह नहीं था, यानी शासन की बुराई करना, शासन के खिलाफ कुछ करना अपराध था, लेकिन देश के खिलाफ कुछ करना अपराध नहीं था। अब उल्टा हो गया, शासन खिलाफ आप कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने देश के खिलाफ कुछ किया तो गंभीर अपराध माना जाएगा। तो अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह आ गया है। अच्छी बात यह है कि अगर आप देश के बाहर बैठ के कुछ करते हैं तो भी आपको यहां घसीटा जा सकता है। आप भारत के अंदर से भारत के खिलाफ कुछ करिए या भारत के बाहर बैठ के पन्नू जैसे या खालिस्तानी तरीके कुछ करिए तो भी आपके खिलाफ ये मुकदमा यहीं दर्ज हो जाएगा और IPC जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इसको शामिल कर लिया गया। जो भारतीय साक्ष्य संहिता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडेंस मान लिया गया। चूंकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो 1872 में बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, और जब 1872 में बनाया था उस समय ना उसमें मोबाइल होता नहीं था, फोन होता नहीं था, व्हाट्सएप चैटिंग होती नहीं थी, टेलीग्राम होता नहीं था, ये सब कुछ होता नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस नहीं माना जाता था, लेकिन अब नई वाली जो भारतीय साक्ष्य संहिता है इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडेंस माना जाएगा। आपने व्हाट्सएप चैटिंग किया, आपने SMS के जरिए चैटिंग किया, आपने फोन के जरिए चैटिंग किया, चाहे आपने व्हाट्सअप कॉल के जरिए चैटिंग किया, टेलीग्राम कॉल करके चैटिंग किया, या कोई और ऐप यूज करके चैटिंग किया, या ईमेल के जरिए चैटिंग किया, या इंस्टाग्राम के जरिए चैटिंग किया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन है माध्यम वो सब के सब एविडेंस माने जाएंगे। तो इससे भी सजा दिलवाने में काफी मदद मिलेगी। पहले क्या होता था, बहुत सारे गंभीर अपराधों में सबूत के अभाव में बरी हो जाते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वो हाई टेक्नोलॉजी यूज करते थे, उसको एविडेंस माना नहीं जाता था। तो बहुत सारे अब नक्सली, आतंकवादी, अलगाववादी, कट्टरपंथी, जिहादी, ये सब के सब
सबूत के अभाव में बरी हो जाते थे, पुलिस सबूत नहीं दे पाती थी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता था, इसके बावजूद भी वो सबूत के अभाव में बरी होते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एविडेंस माना नहीं जाता था। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एविडेंस माना जाएगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि जो अब सजा का रेट डबल हो जाएगा, पहले कुछ राज्यों में सजा 10% होती थी, यानी अगर 100 एफआईआर होता था तो केवल 10 लोगों को सजा होती थी, 90 लोग बाइज्जत बरी हो जाते थे। कुछ राज्यों में ऐसा भी है कि 100 एफआईआर होता है तो 50 लोगों को सजा होती है, 50 लोग बरी हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जहां 10% सजा होती थी अब वो 20% हो जाएगी, जहां 20% सजा होती थी वो 40% हो जाएगी, सजा का रेट डबल हो जाएगा। लेकिन इसमें और भी कुछ करने की जरूरत है। जो 3 नए कानून आए हैं इसमें झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया गया है, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया गया है, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया गया है, झूठे हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया गया। यानी मान लीजिए कोई बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, SC ST एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, तो उसको कोई सजा नहीं होगी। तो जो मिसयूज है वो चलता रहेगा, फायदे अनेक हैं, लेकिन जो कानून का मिसयूज हो रहा था, दहेज का झूठा मुकदमा, छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा, बलात्कार का झूठा मुकदमा, SC ST एक्ट का झूठा मुकदमा, उसके लिए इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, झूठी शिकायत, झूठा मुकदमा, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठी चार्जशीट, इसको भी गंभीर अपराध घोषित करें। दूसरा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को मैंडेटरी करें, अनिवार्य करें, उसको भी एविडेंस माना जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को। जितने व्हाट्सएप वगैरह तो अब मान लिया गया, लेकिन अभी न तो झूठ को, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य किया गया है, और बाई देवे अगर मान लीजिए पुलिस कैसे भी करके ऑर्डर कर भी लेती है उसका एविडेंस नहीं माना जाएगा, उसका एविडेंस मानना जरूरी है। जैसे ही झूठी शिकायत गंभीर अपराध होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। भाई होता क्या है, वसीयत लोग फर्जी बनवा लेते हैं, विरासत लोग फर्जी बनवा लेते हैं, आधार फर्जी बनवा लेते हैं, राशन कार्ड फर्जी बनवा लेते हैं, वोटर आईडी फर्जी बनवा लेते हैं, फर्जी गवाही देते हैं, होता कुछ नहीं है। तो जब यह गंभीर अपराध हो जाएगा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर, भाई जितने घुसपैठी आते हैं भारत में वो यही तो करते हैं, झूठा आधार बनवाते हैं, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटिंग आईडी, सब कुछ बनवा लेते हैं। लेकिन उस फर्जीवाड़े के खिलाफ कोई इसमें कोई धारा नहीं है। तो मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं, फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप 10 से 20 साल सजा का प्रावधान करिए, गंभीर अपराध घोषित करिए। झूठ बोलने को भी गंभीर अपराध, झूठी गवाही को भी गंभीर अपराध, झूठे FIR को भी गंभीर अपराध घोषित करिए, जो पुलिस वाले झूठी जांच करते हैं उसको गंभीर अपराध घोषित करिए, कई बार जज झूठा फैसला दे देते हैं, गलत फैसला देते हैं, उसको भी गंभीर अपराध घोषित करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। और जो अभी भी बहुत सारे अपराधों के लिए अलग अलग कानून चल रहे हैं उसको अब मर्ज करने की जरूरत है। एक देश एक न्याय संहिता, वन नेशन वन जुडिशियल कोड। भारतीय न्याय संहिता जो बनी है इसमें आतंकवाद को शामिल कर लिया, रेप वाला जो पॉक्सो वाला केस था उसको भी इसमें शामिल कर लिया है, साइबर क्राइम को भी शामिल कर लिया है, लेकिन अभी भी कम से कम 50 और कानून अलग से चल रहे हैं, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मुनाफाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का महाघटिया कानून, 1946 वाला फॉरनर एक्ट, उन सबको मर्ज करके एक वन नेशन वन पिनल कोड, वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन जुडिशियल कोड, ये अगर बना दिया जाए तो जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा। मेरा ये मानना है, जैसे ये 3 नए कानून बने हैं ऐसे बहुत जल्द ही 1861 का जो पुलिस एक्ट है उसको भी खत्म कर दिया जाए, और 1861 के पुलिस एक्ट की जगह एक नया कानून लाया जाए, भारतीय पुलिस संहिता। अच्छा, लफ्ज जिहाद इसमें आ गया है, ये बड़ी अच्छी बात है कि लफ्ज जिहाद की जो धारा इसमें आ गई है, इसलिए राज्यों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, लफ्ज जिहाद पूरे देश में एक अपराध हो चुका है। लेकिन पूरे देश में घुसपैठ अभी अपराध नहीं हुई, घुसपैठ इसमें शामिल नहीं है। तो मैं सरकार से कहूंगा इसी भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर डालिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इनफिल्ट्रेशन, और घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए प्रावधान करिए। दूसरा, इसमें धार्मिक भावना आहत करना तो अपराध है नई वाली भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के धर्मांतरण कराना अपराध नहीं। तो मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं, जो ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है उसी में 2 नई धारा जोड़ दीजिए,
और साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कराने को गंभीर अपराध घोषित करिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनके मददगारों की, क्योंकि जो धर्मांतरण होता है ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, उनके मददगारों की भी प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास देने का प्रावधान करिए। सरकार से मैं ये भी निवेदन कर रहा हूं, इस कानून में जो लैंड जिहाद चल रहा है, जो सड़क के किनारे, रेलवे के किनारे, जगह जगह अवैध निर्माण हो रहा है, उस पर गंभीर अपराध नहीं है। तो एक लैंड जो अवैध निर्माण किया जाता है सार्वजनिक स्थानों पे, पार्क में, सड़क किनारे, हाईवे किनारे, रेलवे किनारे, उस पे लिए भी एक चैप्टर इसमें डाल दिया जाए। देखिए उत्तराखंड में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, पूरे देश में अवैध निर्माण बहुत तेजी के साथ हो रहा है, उसके लिए भी एक चैप्टर हो जाए। और भी जितने भी हमारे भारत और भारत की संस्कृति के लिए बड़े खतरे हैं, जैसे इसमें हथियारों के लिए अवैध जो हथियारों की सप्लाई होती है, हथियार बनाए जाते हैं, उसके लिए एक चैप्टर नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो हथियार तस्करी होती है उसको भी इसी भारतीय न्याय संहिता में शामिल कर लेना चाहिए। हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है नशे के कारण, सारे स्कूल कॉलेज में नशे, ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क फैला दिया है। तो एक ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग्स, नशा तस्करी का भी एक चैप्टर इसमें शामिल कर लिया जाए। मेरा कहने का मतलब, अब अलग अलग कानूनों को सबको इसमें शामिल करके एक वन नेशन वन पिनल कोड बना दिया जाए, वन नेशन वन जुडिशियल कोड बना दिया जाए, वन नेशन वन पुलिस कोड बना दिया जाए, तो आने वाले टाइम में जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक साल में फैसला होगा, हाई कोर्ट में भी एक साल में फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी एक साल में फैसला होगा, तहसील में भी एक साल में फैसला होगा। और सबसे बड़ी बात ये जो झूठी शिकायत होती है, झूठी गवाही होती है, झूठे मुकदमे के कारण लाखों लोग परेशान हैं, ड्रग स्मगलिंग के कारण लाखों लोग परेशान हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारण लाखों लोग परेशान हैं, उस पर बहुत कुछ लगाम लगेगा।